नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे टोयोटा ग्लैंजा के बारे में। और टोयोटा ग्लैंजा के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मारुति सुजुकी के अंदर जो बलेनो आती है, तो बलेनो को कम्पीट करने के लिए ग्लैंजा मार्केट के अंदर आई हुई है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि बलेनो से क्या आपको ग्लैंजा के अलग ऐसा मिलता है जिसकी वजह से ग्लैंजा ने मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको हम बताएंगे कि बलेनो से एक्स्ट्रा आपको ग्लैंजा के अंदर क्या मिलता है। और तो दोस्तों, बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फ्रंट लुक से गाड़ी जो है बिल्कुल बलेनो से अलग रहने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बलेनो के अंदर आपको यहाँ पे फ्रंट में जो है प्लास्टिक की ग्रिल देखने को मिलती है, वहीं टोयोटा ग्लैंजा के अंदर आप देख सकते हैं टोयोटा बैजिंग के साथ आपको यहाँ पे क्रोम की यहाँ पे ग्रिल देखने को मिलेगी। और साथ ही आप देख सकते हैं नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो आपको गाड़ी का लुक पूरा का पूरा स्माइली फेस यहाँ पे देखने को मिलता है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लुक चेंज है बलेनो से अगर आप देखते हैं तो, ग्लैंजा का पूरा लुक यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलता है। और साथ ही दोस्तों, बात करते हैं गाड़ी के प्रोजेक्टर हेडलैम्प से, तो वो यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे आप बलेनो परचेज कीजिए या आप ग्लैंजा परचेज कीजिए। फ्रंट जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो यहाँ पे आपको सेम नज़र आएगा। और इसी के साथ आप देखते हैं, बात करते हैं फोग लैंप की, तो आप देख सकते हैं यह बेस मॉडल है तो इसमें फोग लैंप अवेलेबल नहीं है। अगर टॉप मॉडल पर जाते हैं तो फोग लैंप भी आपको यहाँ पर बिल्कुल सेम रहने वाला है दोस्तों, फोग लैंप में कोई चेंज नहीं है। और बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल से, तो साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं डायमेंशन में बिल्कुल चेंज नहीं है, डायमेंशन बिल्कुल सेम रहने वाला है। और बात करते हैं अलॉय व्हील की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस मॉडल है तो इसमें यहाँ पे आपको 15 इंच का स्टील रिम देखने को मिलता है, वहीं अगर आप टॉप मॉडल की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ पे 16 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिलता है। और जो डायमंड कट अलॉय है उसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट रहेगा बलेनो से, अगर आप ग्लैंजा पे जाएंगे तो अलॉय व्हील का डिज़ाइन आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और साथ ही आप दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा जो गाड़ी का इंजन है वो 1.8 लीटर सेम इंजन रहने वाला है टोयोटा ग्लैंजा के अंदर भी। जो गाड़ी की पावर है, टोर्क है, वो भी बिल्कुल सेम रहने वाली है। और साथ ही बात करते हैं दोस्तों कि ग्लैंजा में आपको एडिशनल क्या मिलता है, तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो बलेनो के अंदर आप जाएंगे तो आपको स्टैंडर्ड वारंटी जो है गाड़ी की, तो वो आपको 2 साल 40,000 किलोमीटर के साथ मिलती है। वहीं आप अगर ग्लैंजा की तरफ जाते हैं तो आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर के साथ आपको यहाँ पे वारंटी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छे रिव्यू के साथ आप देख सकते हैं ग्लैंजा गाड़ी के अंदर आपको एडिशनल वारंटी आपको देखने को मिलती है। वहीं आप इंश्योरेंस की अगर बात करते हैं तो 10 साल जीरो डैप कंटिन्यू आप इसको करवा सकते हैं टोयोटा ग्लैंजा के अंदर, जो कि बलेनो में आप इसको 10 साल जीरो डैप नहीं करवा सकते। और साथ ही आप देखना बताऊँगा चाहूँगा आपकी, आपको RSA जो सर्विस है वो भी ग्लैंजा के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है दोस्तों, इसमें टोयोटा आपसे एडिशनल कोई चार्ज नहीं लेता। अगर बलेनो की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे बलेनो के अंदर RSA सर्विस के लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है, जो कि ग्लैंजा में अंदर आपको यहाँ पे कुछ अलग से पे नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं गाड़ी की जो ORVM है वो टर्न इंडिकेटर के साथ आपको यहाँ पे ORVM भी बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको यहाँ पर सेम नज़र आएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। और गाड़ी के अंदर जाने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो विंडो के आपको यहाँ पे कंट्रोल मिलेगा, जो ORVM एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल जो है वो भी यहाँ पे सेम रहेगा। पावर विंडो है, आप देख सकते हैं चारों पावर विंडो रहने वाली है। और इसी साथ देखेंगे आप, यहाँ पे लेदर नहीं है, फैब्रिक का सॉफ्ट टच यहाँ पे दिया हुआ है। और चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। दोस्तों बताना चाहूँगा ये बेस मॉडल है, तो बेस मॉडल अगर आप लेते हैं तो वह बिल्कुल सेम डायमेंशन के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो इंटीरियर का कलर जो आप देख रहे हैं जो क्रीम कलर है, वो आपको बलेनो में आपको थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। और सीट का जो कलर है वो भी आपको यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगा बलेनो के अंदर, जो कि ग्लैंजा में आप देख सकते हैं ड्यूल टोन सीट कलर आपको देखने को मिलेंगे, ब्लैक एंड क्रीम कलर का कम्युनिकेशन यहाँ पे किया हुआ है। और म्यूजिक सिस्टम की अगर बात करते हैं तो दोस्तों वो भी यहाँ पर सेम रहेगा। जो अंदर का इंटीरियर जो है उसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर के अंदर चेंजमेंट किया हुआ है, बाकी गाड़ी बिल्कुल यहाँ पर सेम रहेगी। साथ ही आप दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल में, रियर प्रोफाइल भी बिल्कुल यहाँ पे सेम रहेगी दोस्तों। थोड़ा सा अगर चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टेललाइट के अंदर थोड़ा सा डिज़ाइन के अंदर आपको चेंज देखने को मिलेगा, बाकी डायमेंशन जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के प्राइस की, तो प्राइस में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, ऑलमोस्ट बलेनो और जो ग्लैंजा का प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम है।
इसमें कोई ज़्यादा चेंजमेंट वाली बात नहीं है, क्योंकि 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हो सकता है ग्लेंजा का, बट उसमें आप देख सकते हैं आपको एक्सटर्नल वारंटी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें आपको वारंटी एक्स्ट्रा मिलती है, 10 साल जीरो डेप एक्स्ट्रा मिलता है, आरएसए सर्विस फ्री मिलती है, और एक आपको टोयोटा ब्रांड की ओनरशिप के साथ आप देख सकते हैं ब्रांड वैल्यू भी, आप इसमें यहाँ पे ग्लेंजा परचेज करके टोयोटा फैमिली का मेम्बर बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।